नमस्कार, आप देख रहे देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। आज पलवल के महाराणा प्रताप भवन में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पहली बार पलवल पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा उनको जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ोली ने कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रभारी अरविंद यादव, पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर और हतीन विधायक प्रवीण डागर और भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता सौरभ वर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति आज लाभ उठा रहा है। इस बीच मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं, चाहे वह सोनिया गांधी हो या फिर कोई और अन्य नेता हो। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सोचती है। सुनिए समारोह के दौरान क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। 2024 में भी आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, इस प्रकार का निवेदन और प्रार्थना करने में आपके बीच में आया। मैंने शुरुआत भी इसलिए यहाँ से की क्योंकि जो मजबूत भूमि है भारतीय जनता पार्टी की, यहीं से मैंने शुरुआत की है। और ये शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने, भारतीय जनता पार्टी का विचार बने, प्रत्येक जिले में ये सोच जाए कि जो रजत पलवल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वही रजत हरियाणा प्रदेश के 21 के 21 जिले उसका अनुसरण करें, इसी भाव को लेके मैं आपके बीच में आया। और आज आप सबने इतनी गर्मी के बाद जिस प्रकार से भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा स्वागत अभिनंदन किया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस भाव के साथ और जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान करने में लगे, कभी भी आप 2 बजे भी अगर चंडीगढ़ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी नींद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के काम में लगते हैं। जो लोग बात कहके गए हैं कि इस हरियाणा प्रदेश में जो एक अपने बेटे को स्थापित करने में लगा है, उसी प्रकार से सोनिया गांधी भी अपने बेटे को स्थापित करने में लगी है, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अनेक नेता अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के लिए सोचती है, कार्यकर्ता को स्थापित करने के बारे में सोचती है। पता नहीं कौन सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कौन किस जिम्मेवारी पर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेकर साधारण सा व्यक्ति भी इस देश की और समाज की सेवा करने का मौका राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त करता है, ऐसे विचार को लेकर जो हमारी पार्टी चली है, इस पार्टी को आपने मजबूत करने का काम करना है। और ये जो 2024 का चुनाव समय बहुत कम बचा है, बहुत सारे प्रोग्राम आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे अभियान आपके बीच में आएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार का भी अभियान करे, जनता का समर्थन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा सम्मान करना चाहती है।
उस चुनाव में भी हमने देखने को मिला देश की जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बढ़ा के दिया। ऐसी योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी ने चलाने का काम किया है। गरीब से गरीब आदमी का हक सरकारी योजनाओं का गरीब के घर तक पहुंचे और वो अगर कोई कमी कहीं है तो उस कमी को ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी करने का काम करेगा। आपके सहयोग से, आपकी ताकत से, आपके आशीर्वाद से ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बने, इसी बात का निवेदन करने में आपके बीच में आया था। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार।